दोहा में 3 दिवसीय लॉकडाउन को लेकर प्रशासनिक अधिकारी हुए सतर्क। ड्रोन कैमरे से की निगरानी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी जनपदों में लगाए गए 3 दिवसीय लॉकडाउन के तहत जनपद अमरोहा में भी इसका खासा असर देखने में आया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम सड़कों पर निकलकर लोगों को जागरूक करने में लगी है। वहीं ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या के दृष्टिगत योगी सरकार ने 3 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है। उसी के अंतर्गत आज सुबह से ही अमरोहा जनपद में सड़कों पर वाहनों की संख्या में बड़ी कमी दिखाई दे रही है। इस लॉकडाउन को कामयाब करने के उद्देश्य से अमरोहा जनपद के प्रशासन ने भी कोई कसर बाकी नहीं रखी है। सुबह से ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी अमल के साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निकले हुए हैं। दरअसल प्रदेश सरकार ने इसे संचारी रोग नियंत्रण का नाम दिया है, जिसके तहत संक्रमण से होने वाले रोगों से बचाव किया जा सके। शहरी क्षेत्र की घनी बस्तियों में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए ड्रोन कैमरों की भी मदद ली जा रही है। जैसे आप जानते हैं कि आज पूरे प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण और कोविड जो लॉकडाउन के लिए विशेष अभियान चल रहा है, ये इसमें ना संचारी रोग नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चला जा रहा है। इसमें इसी के अंतर्गत 3 दिन का और ये विशेष अभियान है, जिसमें संचारी रोग स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, फॉगिंग, साफ सफाई और बाढ़ के संबंध में विशेष 3 दिन का एक अभियान है ये। मगर ये अभियान पूरा महीने चलेगा। इसमें ये फोकस किया जा रहा है कि जो वेक्टर बोर्न डिजीज है, जैसे संचारी रोग है, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया, जो अन्य जो वेक्टर से स्प्रेड होती है, इसी के तहत उसको पब्लिक में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए और ये घर घर ये मैसेज पहुंचाने के लिए और साफ सफाई कराने के लिए, ताकि इसका जो संचारी रोग इसको ज़िले में ना आए और जानमाल के नुकसान ना हो, इसी के तहत एक साफ सफाई अभियान है। इसमें 5-6 कॉम्पोनेंट्स हैं। एक इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है साफ सफाई। जैसे आप जानते हैं कि डेंगू स्वच्छ पानी में रहता है। स्वच्छ पानी जब अब बरसात होने लगी है, तो स्वच्छ पानी जब घर के ऊपर छत है, घर के ऊपर छत है, कोई पुराना सामान कोई पड़ा होगा तो उसमें पानी आती है, फ्रिज है आपकी, उसके बाद आपकी एयर कूलर है, ये सारी चीज़ों में ये स्वच्छ पानी में डेंगू उसकी रिप्रोडक्शन होती है, उसके बाद मल्टीप्लाई होता है। ये ड्रोन इसी के तहत ये सारी पब्लिक एक अवेयरनेस और साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि घर के ऊपर जो छत के उसको हम सर्वे कर सके, सर्वे करके उसके बाद सर्वे करने के बाद जहाँ जहाँ ये ऐसी पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है, क्या कोई पुराने कोई सामान पड़ा हुआ जिसमें पानी किया इकट्ठा होने की आशंका रहती है, उसको आइडेंटिफाई कर सके, उसको निकाल सके। इसी के तहत ड्रोन का अभियान चला जा रहा है। और आज एक बृहत अभियान भी साफ सफाई का आपने अभी देखा, बहुत सारे टैंकर्स को और आदमी को लगाया गया है कि साफ सफाई हो जाए। इसी के तहत अभियान है कि संचारी रोग को फैलने से बचा जा सके।